उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का टोंक दौरा। आपको बता दें कि टोंक पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम को दी परेड की सलामी। कल्पना मैरिज गार्डन में जन सुनवाई का कार्यक्रम। जिले भर के अधिकारियों का आयोजन स्थल पर जमावड़ा लगा हुआ है और जिले भर से भारी तादाद में शिकायतें लेकर फरियादी भी यहां पर पहुंचे हैं। दोपहर 3 बजे तक पायलट जनता की यहाँ पर समस्याएं सुनने वाले हैं। आपको बता रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का टोंक दौरा और आयोजन स्थल पर जिले भर के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। आज 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। जिले भर से भारी तादाद में शिकायतें लेकर यहाँ पर फरियादी भी पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है जब पायलट जनता की समस्याएं सुनने वाले हैं। आपको बता रहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का टोंक दौरा और टोंक पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम को परेड की सलामी दी गई। यहाँ पर आज 3 बजे कार्यक्रम का शुरुआत होगी। कल्पना मैरिज गार्डन में जन सुनवाई का ये कार्यक्रम है जिसमें तमाम लोगों की समस्याएं सुनेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। आयोजन स्थल पर जिले भर के अधिकारी भी पहुंचे हैं और जिले भर से आपको बता दें कि भारी तादाद में शिकायतें लेकर भी फरियादी पहुंच रहे हैं और इन सब की समस्याओं को दोपहर 3 बजे पायलट जरूर सुनेंगे। और इसी के लिए लोगों में भारी उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। टोंक पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम को परेड की सलामी दी गई है। और आपको बता दें कि ये जन सुनवाई का कार्यक्रम कल्पना मैरिज गार्डन में रखा गया है दोपहर 3 बजे और आयोजन स्थल कल्पना मैरिज गार्डन पर जिले भर के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता घनश्याम शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी घनश्याम, बताएं क्या जानकारी मिल रही है, क्या तैयारियां की गई हैं सचिन पायलट के दौरे को लेकर? घनश्याम बताएं क्या तैयारियां की गई हैं सचिन पायलट के दौरे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल लवीना बताना चाहूंगा आपको। अभी पायलट यहां पर पहुंचे और पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर पहुंचे और कल्पना मैरिज गार्डन में जनसुनवाई दरबार लगा हुआ है। पूरे जिले भर के अधिकारी मौजूद है, जिला कलेक्टर मौजूद है, अजमेर संभाग से आईजी संजीव नर्जरी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है। भारी तादाद में यहाँ पर जिले भर से करीबन 2000 से भी ज्यादा फरियादी यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा मामला तो भांसू टोडा राय सिंह के भांसू का हत्याकांड का मामला सामने आया, जहां पर आज फिर एक बार परिवार यहां पर आकर उप मुख्यमंत्री से मिला। इस दौरान सचिन पायलट ने परिवार के सामने ही एसपी को कड़ी फटकार लगाया और उस पूरे मामले की सत्यात्मक जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की बात की। तुरंत उस पूरे मामले से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट मंगवाई गई है। जी लवीना। जी घनश्याम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज टोंक दौरा है और इसी को लेकर आज 3 बजे जन सुनवाई का कार्यक्रम कल्पना मैरिज गार्डन में रखा गया है और इसी के लिए फरियादी बड़ी तादाद में यहां पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं।